वैशाली, ये जो पूरा अरेंजमेंट किया है, ये कहीं से इंस्पायर होकर किया है या हमने अपने आप किया है? इसने किया है, अपने आप किया है। शुभम जी किया है। माइंड ब्लोइंग इज नॉट द वर्ड। वैशाली, ये गाना महंतम किशोर कुमार जी द्वारा गाया हुआ है। आपने उसे अपना खुद का एक अंदाज दिया, आपने उसको वेस्टर्नाइज करके जो भी चीजें की मुझे बहुत पसंद आई। आई थिंक योर एफर्ट वॉज एब्सोल्युटली अप्रिशिएबल एंड मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आई। आवर तो थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
वैशाली, इट साउंडेड लाइक अ न्यू सॉन्ग टू मी. थैंक यू मैम. एंड योर सिंगिंग वाज सो रिफ्रेशिंग. अगेन वेरी न्यू इंटरप्रिटेशन, लेकिन बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा. द इंटायर एक्सपीरियंस वाज नॉट कंपटीशन लाइक, इट वाज वेरी परफॉर्मेंस लाइक. वी सो एंजॉयड इट. थैंक यू सो मच. तीनते हैं. हां हां हां. जबरदस्त जबरदस्त. थैंक यू वैशाली. फटाफटी एकदम মিউজিশিয়ান থেকে নিয়ে বৈশালী থেকে নিয়ে সবাই মিলে একটা বেশ একটা এমন পারফরমেন্স হলো যেটাকে স্মরণীয় পারফরমেন্স যেটাকে বলা হয়. ফ্যান্টাস্টিক ডবল. হ্যাঁ ইয়ার. থ্যাংক ইউ স্যার. থ্যাংক ইউ সো মাচ. ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी. रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के. ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी. रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के. शाम है ऐसे में है रूठना, दीवानों का काम है. देखो तो बताबा बातें, मुलाकातें करने की शाम है ऐसे में है रूठना, दीवानों का काम है. ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी. रुक जाओ रानी, पीछे मुड़ के, चल कहाँ ऐसे उड़ के. गिलगिलिया खा ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी. रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, ऐसे उड़ के. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा. थैंक यू सर. थैंक यू. एकदम खुला आवाज, एकदम बस मजा करे गए बुझते खूब एंजॉय कर गानटा के लिए. मध्य मध्य आबार एकटुखानी निजेरो लागिएछो, सब मिली मिशी भालो छिलो बस. ठीक आछे, गॉड ब्लेस यू. चली जाओ. थैंक यू सर. शुभित, पता क्या, वैसे देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत दमदार रही है, लेकिन ये आप डिनाई नहीं कर सकते कि बीच में आपने गिली लक्का में गड़बड़ किया एक तो. ठीक है, अब परफॉर्मेंस में सब चीजें आती हैं. गिली ये आपने किया था, अब इसको मैं नजरअंदाज कैसे कर लूं? फिनिशिंग ठीक नहीं है, लैंडिंग ठीक नहीं है, तो उस हिसाब से हम थोड़ा कश्मकश में. ओवरऑल परफॉर्मेंस खूब भालो हुए चे,
গানটা শুনতে আনন্দ লেগেছে, কিন্তু কয়েকটা জায়গায় আমার একটুখানি শেকি লেগেছে। একটা তো সোনুজি বললেনি, প্লাস যেখানে ওই কি শিফটটা হয় সেখানে ধরাটা এবং যেখানে আবার তখন ফেরত আসে সেই ফেরত আসাটা, আমার এই জায়গাগুলো একটু মনে হচ্ছে প্রথমবারই ঠিক হওয়ার জায়গায় আস্তে আস্তে ঠিক জায়গাটায় পৌঁছেছে, এরকম দুটো জায়গায় মনে হয়েছে।